Hey there, I am so glad कि मैं आपके साथ में ये अभी इस वीडियो पे कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, और वेरी वेरी अप्रिशिएबल है। एक्चुअली कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले मैं एक YouTube पे एक व्लॉग देखा जो एंजल माँ व्लॉग ऐसे समथिंग कुछ है उनका नाम। चैनल का मैं आपको सब दिखा दूंगी यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं बाद में। तो उनका चैनल पर जब मैंने जाकर देखा, वहाँ पर एक्चुअली वो अरुणाचल, हमारा एक भाई था, एक ब्रदर था हमारा अरुणाचल ब्रदर, वो जो नेपाल पे 25 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स पहले जो गुम हो गया था, जो नेपाल में था और बहुत ही पिटिएबल कंडीशन पे था वहाँ पर। आई थिंक वो जो एक बेगर के तौर पर वहाँ पे रह रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा देखकर दुख लगा। और फिर बाद में उन्होंने ये जो एंजल ने क्या करा कि उन इनको जो ये जो हमारा अरुणाचल तक भी बाद में भेज भी दिया है, तो वो उसका ब्लॉग, दोनों का लिंक हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, ज़रूर चेक कर लेना। और मैंने जो भी कुछ देखा उसका जो थोड़ा सा क्लिप में आप यहाँ खुद भी देख लीजिए। लाला 25 वर्ष पछि भेट्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भेट्दाखेरि राम्रो लाग्छ नि, अब के राम्रो लाग्यो? तपाईँलाई फोनमा बोल्दाखेरि खुसी लाग्यो? हजुर। ल दाइ, जिन्दगी ठिक छ क्या? है राम्रो छ, राम्रो छ दिदी, दाइ राम्रो छ होइन? अब चाँडै तपाईँको आमालाई भेट्नुहुन्छ है तपाईँलाई? है हजुर, म कसरी उता पुग्ने? मसँग पैसा छैन कि छैन? पुग्नुहुन्छ, त्यो पनि पुग्नुहुन्छ, चिन्ता नलिनु है, हामी छौँ त। हजुर नि, है तपाईँलाई नमस्ते आमा, के म यस्तो भइसक्यो आमा? आमालाई दर्शन गर्नु, हेर्दै आमा मलाई माफ गर्नु होला, हजुरलाई छोडेर आऊ, मैले के गर्ने? म यस्तो परदेशीमा आइपुग्यो, म आउनु सकेको छुइनँ आमा, म खेटु 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 लामा, क्या आमा? आमा म त हजुरहरू बित्नुभयो होला भनेर सोचेको, अहिले नेपाली कुरो सबै आउँछ म, के आउनु आमा? आमा के हुन्छ नि, के हुन्छ आमा? क्या सबै छ, सबै सुत्न एकछिन सुत्न है, खेतो दाइ खाना खानु जानु लाग्यो अब हामीसँग। तो गाइस बात यह है कि हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जो अच्छे काम करने वाले को देखकर अप्रिशिएट करते हैं। देखिए गाइस, खुद करना वो एक बहुत बड़ी बात है हम, लेकिन जब हम लोग दूसरों को करते हुए देखते हैं, उसे बढ़ावा देना और उसे अप्रिशिएट करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ये व्लॉग, छोटा सा मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो ये भी मैं इस एंजल को जो नेपाल से हैं व्लॉगर, इसको सपोर्ट करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं ये बना रही हूँ। और इस वीडियो के दौरान आई वुड लाइक टू थैंक सोन एंजल, एंजल थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ नोबल डीड, जो भी आपने करा है वो रियली रियली अप्रिशिएबल है, एंड बिकॉज ऑफ यू आई फील लाइक आई शुड बी लाइक और भी मुझे कंपैशनेट होना चाहिए करके, यू इंस्पायर मी हाउ टू बी कंपैशनेट, हाउ टू बी लाइक अ ह्यूमन बींग एक्चुअल वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक स्प्रेडिंग सो मच पॉजिटिविटी एंड लव, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम सो टच्ड बाई योर व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। एंड विद दिस अरुणाचल के लोग जो बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं और हम लविंग एंड काइंड भी होते हैं दूसरे के प्रति भी, तो आई विश कि
इस वीडियो को देखें, और मेरा वीडियो को नहीं, ये एंजल का वीडियो को जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अरुणाचल के बीच में शेयर करिए, और हमारा स्टेट का सीएम तक पहुंचाइए, गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, ताकि ये जो एंजल है इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, विच आई थिंक लाइक वो डिज़र्व करते हैं. यू नो लाइक अच्छे काम करने वाले को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए हमारा तरफ से, क्योंकि हमारा ब्रदर जो लॉस्ट हो चुका था और उनका तो आई गेस वापसी का किसी को शायद उम्मीद ही नहीं था, उनका परिवार में से भी, यू नो. तो वो देखकर आई एम सो टच्ड, और हमारा नेता भी वो ज़रूर टच होंगे और उनको ज़रूर फेलिसिटेट और या फिर अप्रिशिएट करेंगे अपने हिसाब से. तो वो डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं एंजल. सो गाइस प्लीज़ उनका चैनल में विज़िट कीजिए, और ये व्लॉग को आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दिया है वो लिंक दोनों को आप क्लिक करके देखिए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए, ताकि इस एंजल को यू नो उनका राइटफुली जिस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एटलीस्ट हमारा यू नो लाइक अरुणाचल के स्टेट के नेताजी से भी मिलना चाहिए, विच आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो आप अगर सोचते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए. मैंने तो अपना पार्ट कर दिया यहाँ पर एक व्लॉग बनाकर इस बारे में. सो यस गाइस, इससे इंस्पायर होते हुए लेट्स बी मोर लाइक लविंग एंड काइंड टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग, नॉट जस्ट मतलब जो भी हमारा सराउंडिंग में होता है, लाइक लेट्स लव विथ आवर फुल हार्ट, यू नो लाइक सबको यू नो लाइक अनकंडीशनल लव अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो दुनिया बहुत ज़्यादा बेटर एक दुनिया बन जाएगा हम लोगों को, मतलब जीने के लिए, रहने के लिए. How nice it would be. I was literally crying throughout the vlog. I was weeping inside the bathroom also. You know, it was that touching. So I really appreciate and I really enjoyed this vlog. So guys, आप भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ऐसे वाला चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए हम लोग. थैंक यू सो मच, इतना ही है. कीप लविंग गाइज, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड कीप स्प्रेडिंग लव. बाय.